तो बता रहा हूँ, वही तो पूछ रहा है। हाँ जल्दी बता। मेरे घर तो बहुत अच्छी चीज बनी है। बहुत अच्छी चीज? लल्लू से मेरे घर तो बहुत बढ़िया बनी है। कहाँ बनी? बहुत अच्छी चीज बनी है। अरे क्या था? खाए में तो बहुत अच्छी लग रही। बहुत बढ़िया आई। तुझे बता दे बाम का चीज पड़ी आती। बाम में तो बहुत चीज पड़ रही लल्लू से। का पड़ी? देख बाम पर रहे ठिकाने। ठिकाने? हाँ। अरे ठिकाने क्या? मखाने। हाँ भाई। सफेद सफेद होंगे? हाँ। पागल वो मखाने होते भाई पर रहे बाम में। और क्या था? पौधे बाम पर रही किस्मत। अरे अकेला किस्मत नहीं किस्मत। हाँ भाई मिसमिस वो। हाँ किसमिस भाई। हाँ भाई पढ़ रही। और क्या था? और लल्लू से बाम बहुत चीज पढ़ी। अरे लल्लू से हर बात में आ जाते। और दे बाम परो ढोला। वो ढोला नहीं था वो गोला। हाँ भाई। और तो बहुत चीज पढ़ रही वहां में। हाँ एक चीज पढ़ रही मखरिया। बड़ी पुअरी आए तेरी मम्मी मकरिया डारे खीर बना। सूखी सूखी सी होती का है। चिरौंजी होगी। हाँ भाई वही पढ़ रही। और बहुत अच्छी लग रही खाई तो हमने। और क्या हुआ? और देखो और पड़े हुआ में धान। धान पागल चावल थे वो धान से चावल निकाले जाते हैं। हाँ और पड़ो वहाँ में। और क्या हुआ? और देखो पड़ रही टक्कर। टक्कर की शक्कर। शक्कर कहता है रे है चीनी। हाँ भाई। और पौधे बाम परो भूरो भूरो सो यानी दूध। भई पर रहो बाम तो जी का एगो मिल गए का है खीर है गई रे। देख लो खीर के लेती देसी कैसे करोगे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और का भाई अम्मा तो बनावे के सऊ रहती। अम्मा बनावे के सऊ रहे यानी जा की अम्मा को अंत से आ गई मेरी अम्मा को। ये मैं बनावे के सऊ ना भाई रोटी भाई भाई कदे बड़ा पागल है तू है। लल्लू से बहुत अच्छी लगी। अरे जी बता। हाँ चल तेरी मम्मा ने खीर बनाई और तूने खाई। मैंने खाई पर हमें कैसे पता चलेगा तेरे घर खीर बनी है? तू कैसे पता चले हो? हाँ मैं बता रहा हूँ। तू हाथ करे मैं थूक दे रहा हूँ। चार ऐसा कर तू अपनी जीभ निकाल। जीभ निकालो और मैं तेरी जीभ चाट के देखूं। तेरी जीभ चाटे हो? हाँ हाँ अगर तेरी जीभ मीठी होगी तो ठीक है खीर बनी है और ना मीठी होगी तो कोई बात ना। जीभ? हाँ जीभ। यार मेरे को शर्म ना आ रही। जीभ चाटे हो? हाँ 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 निकाल रहे निकाल जीभ जल्दी निकाल जीभ। हे पूरी निकाल। गई भीतर पूरी निकाल ना। फिर गई। अरे पूरी निकाल भाई के भाई दे ऊं करके। अब कांत निकाल देता ही है पूरी जीभ बाहर निकाल। और निकाल और निकाल और निकाल और निकाल। गई भीतर। लेकिन कंसराज ने क्या किया है? लग रही है मिर्च लग गई।
बहुले रबड़ी खाए गो। क्यों रो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, जीभ कट गई, किसने काटी, कंसराज ने, दर्द हो रहा है, ले टेबलेट खा ले, दर्द हो रहा है तो चल। ले चल असली भाई टेबलेट खा ले, डबल खा लिए एक बार में, बंद हो गया। मेरे का हेलो उसी समय वो गरीब नीमा लाला की हालत देख करके चुप रह गई। किस कंसराज ने मेरे बेटा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर किसी और का लाला होता मेरे बेटा की ऐसे जिंदगी बर्बाद हो जाती तो मैं छोड़ती नहीं, लेकिन करूं क्या, राजा का लड़का है, मैं भला कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मैया ने बेटा को घर में ही बिठा लिया, बाहर नहीं जाने दिया। धीरे धीरे कंसराज और बड़ा होने लगा। 11 वर्ष का जब हुआ तो 11 लड़के साथ में रहते। एक दिन कंसराज ने अपने साथियों को बुलाया और साथियों से कह रहे, साथियों बोलो महाराज, आज हम एक जगह पर चलेंगे। कहाँ चलोगे महाराज? आपने देखा है कि हमारे मथुरा की कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हाँ, कि हमारे मथुरा से दही ले जाती हैं, ले जाती गोकुल में जा करके बेचती हैं, गोकुल के लड़काओं को पट्टा कर रही है, खिला खिला करके। हमारे मथुरा के लड़के क्या ऐसे सूखे सूखे ऐसे बैठे? सही बात है, ऐसे सूखे सूखे बैठे, मैं सही कह रहा हूं हमारे होते हुए। सत्य बात है महाराज, इसलिए चलो आज उन लड़कियों को घेरते ही और आज से माखन गोकुल में ले जाना बंद किया जाएगा। ठीक है महाराज, हम तैयार हैं, चलो। आज वो लड़कियां जैसे ही प्रतिदिन की तरह जा रही थी, कंसराज बीच मार्ग में खड़ा हो गया। खड़ा हो करके लड़कियों को एकदम आवाज लगाई, जवाब दे, ए लड़कियों।